अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आज मैं बना रही हूँ ग्रेवी गोला कबाब। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम तकरीबन 3 पाव बीफ लिया था और फिर मैंने इसे चॉपर में डालकर स्मूथ कीमा बना लिया। अब कीमे में ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून फ्राइड अनियन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 1/2 कप है कर्ड दही, यहाँ पे मैंने लिया था 2 टेबलस्पून चने का आटा है बेसन, और 1.5 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ये 1 टीस्पून है कटर में चिली फ्लेक्स, नमक आप अपने हिसाब से डाल दें, मैं ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करती हूँ खाने में क्योंकि बारबेक्यू मसाले में भी नमक था, और ये है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर पिसी हुई लाल मिर्च, और ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है पिसी हुई काली मिर्च, और ये है 1 टेबलस्पून बारबेक्यू मसाला, जो तिक्का सीख कबाब मसाला होता है ना, वो इसमें भी नमक था इसलिए मैंने कम नमक लिया था, ये शान का है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब सारे स्पाइसेस इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने 1 प्याली ऑयल की ली थी और इसमें मैंने 2 प्याज कट करके डाल दी। अब देखिए ये प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है तो मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। अब यहाँ पर प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 प्याली दही की, इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। अब इस पेस्ट को पैन में डाल दिया। अब सबसे पहले इसमें बारबेक्यू मसाला ऐड कर दिया 1.5 टेबलस्पून। अब मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाला था 1 टीस्पून। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे क्योंकि बारबेक्यू मसाले में भी नमक होता है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही थी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये 1/2 कनौर चिकन क्यूब है, 3 टेबल स्पून है, ये छोटी सी प्याली है तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी होगी इसमें। अब थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे। अब एंड में रेड फूड कलर ऐड कर देंगे, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ग्रेवी गोला कबाब रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी? ये बहुत ही टेस्टी बना था, इसे हम रोटी, चपाती, नान, चाइनीज राइस, साफ्तान, शीरमाल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम लोगों ने इसे साफ्तान के साथ खाया था और हमें बहुत मज़ा आया था, ये बहुत ही टेस्टी था।